बच्चों, अब हम उदाहरण दो पर बातचीत करेंगे। उदाहरण दो में हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हो तो वह चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। समानांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में जो फर्क है वो ये है कि सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तो होगा लेकिन इसकी चारों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये हमें सिद्ध करना होगा कि जो दी हुई आकृति है वो चूंकि एक समानांतर चतुर्भुज है और इसमें जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब है, यानी यहाँ जो कोण बन रहा है, यदि आप इसे बिंदु O दे दें तो आप ये कह सकते हैं कि A O D समकोण है, D O C समकोण है, C O B समकोण है और B O A भी समकोण है। ये दिया हुआ है हमें। और फिर उस आधार पर यदि हम चाहते हैं कि ए बी सी डी को हम सम चतुर्भुज सिद्ध करें तो हमें बताना होगा कि इनमें से प्रत्येक जो भुजा है चतुर्भुज की वो आपस में बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो चलिए देखते हैं हमारी ये यात्रा कैसे शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। तो पहली बात तो हम शुरू करें कि त्रिभुज ए और डी और त्रिभुज सी और डी पे बात करें। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध कर पाते हैं तो हम बता पाएंगे कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और यदि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो चूंकि समानांतर चतुर्भुज के गुण से हमको पता है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों पहले से बराबर हैं, तो ये तीनों बराबर हो गए। और चूंकि ये इसके बराबर है तो ये चारों भी आपस में बराबर हो गए। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम किन्हीं दो त्रिभुजों को हम ले और मान लीजिए वो दोनों त्रिभुज हमारे ये हैं अगल बगल के, इन्हें आप कहें त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में। सबसे पहली चीज जो आपको मालूम है वो ये कि ये कोण समकोण है और ये भी कोण समकोण है। तो पहली बात जो लिखेंगे आप वो ये लिखेंगे कि कोण ए ओ डी, यानी ये वाला कोण, कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी, यानी ये कोण सी ओ डी, ये दोनों समकोण हैं। तो आप लिख सकते हैं चूंकि 90 अंश के हैं समकोण है इसलिए आपस में बराबर हैं। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि भुजा ओ डी दोनों त्रिभुजों में मौजूद है, तो आप लिख लें इनको ओ डी बराबर ओ डी। और एक चीज आपके पास है, आपने ये भी सिद्ध किया हुआ है कि सम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो दोनों विकर्णों का कटन बिंदु है O, प्रतिच्छेद बिंदु O है, वो इस पूरे विकर्ण को दो बराबर भाग में बांटता है, यानी आप कह सकते हैं कि AO बराबर OC। तो ये भी आप लिख लें AO बराबर OC। तो इन तीन कथनों पर यदि गौर करें आप तो आप पाएंगे कि इस पहले त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के साथ हम तुलना करने पर पा रहे हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा दोनों में उपस्थित है और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है क्योंकि ये समकोण है और ये हमें दिया हुआ है। तो आप देखिए भुजा कोण भुजा प्रमेय के आधार पर इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम कह रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए और डी, त्रिभुज ए और डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। इसे आप लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा प्रमेय के द्वारा, भुजा कोण भुजा प्रमेय के द्वारा आपने यह सिद्ध कर लिया। अब यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो आप जान रहे हैं कि जो बचे हुए इनके शेष अंग है वो भी आपस में अपने संगत अंगों के बराबर होंगे, यानी भुजा ए डी भुजा सी डी के बराबर होगी। तो ये हमारा परिणाम है कि पहले वाले त्रिभुज की भुजा ए डी दूसरे त्रिभुज की भुजा सी डी के बराबर होगी, ये आपने पा लिया। और आपको ये पता है कि चूंकि ये समानांतर चतुर्भुज है यानी ए डी बराबर है बी सी के, तो आप लिखें चूंकि ए डी बराबर बी सी और सी डी बराबर है बी ए के, या डी सी बराबर ए बी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम कहें सी डी बराबर बी ए, सी डी बराबर
BA, और आप यहां पर AD और CD को बराबर कह रहे हैं, यानी ये दोनों चीजें भी आपस में बराबर हो गई, तो आपको परिणाम ये मिला कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसे आप लिख लीजिए, AD बराबर CD आपने पहले लिख लिया था, तो AD बराबर CD और AD बराबर है BC के, यहां से आपने लिख पाया है, इसको आप लिखें बराबर BC, और CD बराबर है BA के, बराबर BA। तो आप देख रहे हैं कि जो AD, CD, BC और BA आप लिख रहे हैं वो ये समानांतर चतुर्भुज के चारों भुजाएं हैं। तो आप ये बात देख पा रहे हैं आसानी से, ये जो दिया हुआ समानांतर चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वो चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये आपको समचतुर्भुज की परिभाषा से मालूम है। तो देखिए बच्चों, आपने वो जगह प्राप्त कर ली जहाँ पर आप कह सकते हैं कि ABCD एक ऐसा चतुर्भुज था, समानांतर चतुर्भुज, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे और एक दूसरे पर लंब भी थे। तो लंब होने की दशा में आप इस परिणाम पर पहुंच रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी ये चतुर्भुज समचतुर्भुज है।